आज जो दमोह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नाटक किया गया और ये उनकी हार की पराजय की एक तरह से बौखलाहट है, अनर्गल आरोप लगाए गए, बिना तथ्यों के बिना प्रमाण के कोई भी बात कही गई। मैं कल शाम को 6 बजे हमने दमोह छोड़ दिया था और रात्रि में हमने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नरसिंहगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के रेस्ट हाउस में रात में हम जाके रुके थे। आज दिन में कांग्रेस के लोग वहाँ पर गए और जाकर ये आरोप लगाया कि यहाँ पर पैसा बट रहा है या पैसा है। वहाँ पर जाकर जब देखा तो ना तो एक पैसा मिला, ना कोई आपत्तिजनक चीज़ मिली और कांग्रेस के लोगों ने अनावश्यक एक नाटक करने का प्रयास किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। ना तो 1 रुपये जब्त हुआ है, दोनों कमरे की जांच की गई, खुद प्रत्याशी स्वयं ने, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद उनने स्वयं ने दोनों कमरों की जांच की। SST ने गाड़ी की जांच की जो गाड़ी पे आरोप लगा रहे थे। 3 घंटे तक वो गाड़ी वहीं खड़ी थी, SST ने जांच की, सारी जांचें हुई, उसमें कहीं 1 रुपये नहीं मिला। तो कुल मिलाकर एक बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की गई है। कांग्रेस बुरी तरह से दमोह में चुनाव हार रही है और इसलिए इस तरह का आरोप और षड्यंत्र लगाने का काम कांग्रेस ने किया है।